हेलो फ्रेंड्स, आज हम किचन का और एक नया डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे 5 कॉर्ड लिए हैं मैंने, यहाँ पे 1.5 मीटर के, 1 कॉर्ड लिया है मैंने यहाँ पे 15 इंच का, और यहाँ पे देखिए 4 हमें बीट्स चाहिए, और एक मैंने यहाँ पे बड़े साइज का बीट्स लिया है, और किचन रिंग, लाइटर, सीजर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमने 15 इंच का कॉर्ड लिया है उस पर हमें यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लिया हमने यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे हमें एक गांठ लगानी है। तो ये देखिए, हम इस तरीके से इस पर एक गांठ लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे इतना छोड़ दिया है और यहाँ पे गांठ लगा ली है। अब हमारा जो बड़ा वाला बीट्स था उसको हम यहाँ पे डाल देंगे इसमें, और फिर से एक ऐसी ही गांठ यहाँ पे भी लगा लेंगे हम नीचे भी। एक ये देखिए, इधर भी हमें एक गांठ लगा लेनी है, ये हमें बाद में खोल देनी है, ये अभी हम रोकने के लिए यहाँ पे लगा रहे हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी पिन लगा दी है इस तरीके से, और बीट्स हमारा इधर रखेंगे अभी। तो ये जो हमारे 1.5 मीटर के कॉर्ड हैं, इनको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और बीच में से यहाँ से तेरे रख के यहाँ पे इस पे, ये देखिए 1 टाइम, और ये 2 टाइम। देखिए इस तरीके से हमें 5 के 5 कोड हमें यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे हम, यहाँ से इसके साथ जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड्स, 5 के 5 कोड हमने अटैच कर लिए हैं। तो यहाँ से हमने 1 कोड लेना है और इस तरीके से पाइपिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने पाइपिंग कर दिया। अब हमारा जो ये वाला कोड है, जिस कोड पे हमने पाइपिंग की है, उसको हम यहाँ पे एक बार ऐसे पाइपिंग कर लेंगे, और सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। ये देखिए, ये वाला जो हमारा कोड है, इसको हम यहाँ से, जैसे कि हमने इस साइड का कोड एक बार पाइपिंग किया था, इसी तरीके से हमें ये वाला कोड भी पाइपिंग कर लेना है दोनों साइड। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला कोड हमारा इधर आ गया है। अब हमें फिर से यहाँ से इस तरीके से पाइपिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये वाला कोड भी हम पाइपिंग कर लेंगे ऐसे। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1 वाला कोड लेंगे,
थ्री क्वार्ट पाइपिंग हम यहाँ पे करेंगे। ये देखिए ये वाला कोड हमने छोड़ दिया है और ये वाला भी अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पे पाइपिंग करेंगे। ये देखिए फिर से ये कोड छोड़ दिया और ये वाला कोड पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी सेव करना है, सारे कोड पाइपिंग कर लेंगे। ये फ्रेंड्स फिर से यहाँ से कोड लेंगे और ये थ्री कोड पाइपिंग कर लेंगे। फिर से टू कोड पाइपिंग कर लेंगे हम। देखिए फिर से एक कोड पाइपिंग कर लेंगे। अब यहां से देखिए फ्रेंड्स इधर देखिए हमारे यहाँ पे फोर कोड है तो हमें यहाँ पे ये दो कोड छोड़ के ये वाला कोड लेना है और ये वाला कोड इसके ऊपर पाइपिंग कर लेना है इस तरीके से। अब हम यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कोड है हमारा इस वाले कोड पे पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से और ये वाला कोड भी हम पाइपिंग कर लेंगे। और फिर से हमारा यहाँ से कोड लेंगे और ये सारे कोड पाइपिंग कर लेंगे। फिर से ये वाला कोड ले लेंगे, पाइपिंग कर लेंगे। फिर से यहाँ से एक कोड लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स थ्री टाइम हमने यहाँ पे पाइपिंग की है और फोर टाइम हमने यहाँ पे की थी। तो अब यहाँ से इधर देखिए फ्रेंड्स यहाँ से सेकंड कोड ले लेंगे और फर्स्ट वाले कोड को हम पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से ये वाला कोड लेंगे, पहले ये वाला कोड पाइपिंग करेंगे और फिर ये वाला। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अब हमें ये वाला कोड भी पाइपिंग कर लेना है। और फिर से ये वाले कोड हम पाइपिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स फिर से हम यहाँ से कोड ले लेंगे और ये सारे कोड पाइपिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हम हमारी साइड दोनों साइड की पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हमारे जो दो कोड हैं इनको लेके हम यहाँ पे एक नोट लगाएंगे। देखिए टाइट नोट हम यहाँ पे लगा लेंगे और अब हम यहाँ से इसको निकाल लेना है और ये गांठ हमें खोल लेनी है और इसको हम इस तरीके से अच्छे से खींच लेंगे बीड्स की साइड तक। देखिए इतना हम खींच लेंगे इसको।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सारे कोड हम कट कर लेंगे। और एक बात, हमने 1.5 मीटर का कोड लिया था यहाँ पे, तो ये देखिए काफ़ी सारा बच गया है, तो ये 1 मीटर में अच्छे से बन जाएगा। तो 1 मीटर का कोड आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसको हम कट कर लेंगे और पीछे की साइड पे हम चिपका देंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे चिपका लिए हैं, और ये जो नीचे हमारे 2 कोड बचे हैं इसमें हम बीट्स डालेंगे। और यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे ताकि हमारे ये मोती बीट्स हमारे निकले ना। सेम इतनी दूरी पे हम यहाँ पे भी गांठ लगा लेंगे एक। देखिए अब इनको कट कर देंगे और हल्का सा मेल्ट कर लेंगे इसको, और यहीं पे दबा देंगे ताकि ये खुले ना। ये देखिए लग रहा है ना प्यारा। और जो हमारी की रिंग रहेगी वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। डाल के दिखाती हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा खोल ले, या आप शुरू में ही जब हम गांठ लगा रहे हैं तो इसको हैंग कर सकते हैं। और ये आप थोड़ा सा छोटा भी लूप रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा छोटा सा किचन बन के रेडी है और बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।